उत्तराखंड में कुंभ मेले के दौरान फर्जी कोरोना टेस्टिंग का मामला सामने आया है। ईडी ने शुक्रवार को इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर 5 डायग्नोस्टिक्स फर्म के टॉप अधिकारियों के घरों और ऑफिस की तलाशी ली। इस दौरान फर्जी बिल, लैपटॉप, मोबाइल फोन, संपत्ति के कागजात और 30 लाख रुपये नकद जब्त किए गए। जांच एजेंसी ने जिन कंपनियों पर छापा मारा उनमें नोवस पाथ लैब, डीएनए लैब्स, मेक्स कॉरपोरेट सर्विस, डॉक्टर लाल चंदानी लैब्स और नलवा लेबोरेटरीज शामिल है। देहरादून, हरिद्वार, दिल्ली, नोएडा और हिसार में तलाशी ली गई। राज्य सरकार इन्हें पहले 3,40,00,000 रुपये का भुगतान कर चुकी है। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर अखाड़े के साधु संत आपस में ही भिड़ गए थे। एक दूसरे पर कोरोना फैलाने को लेकर आरोप लगाने लगे। बैरागी अखाड़े ने आरोप लगाया कि कुंभ में संक्रमण सन्यासी अखाड़ों से फैला है। निर्माही अखाड़े के अध्यक्ष महंत राजेंद्र दास ने कुंभ में बढ़ते संक्रमण के मामलों के लिए अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी को जिम्मेदार ठहराया। DRV न्यूज़ के लिए मेघा खाड़े की रिपोर्ट।